हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अब तो आप छुट्टियों में पूरे मज़े कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको आज इस ब्लॉग में अपने बड़मावस के बारे में बताऊंगी कि हमारे यहाँ किस तरह से बड़मावस बनाया जाता है और छुट्टियों में मेरा डेली रूटीन किस तरह का होता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स द्वारा बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवारजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किया मैंने अपना घर क्लीन, उसके बाद पी मैंने चाय, जो कि मुझे सुबह को ज़रूर चाहिए, चाहे दिन में मिले ना मिले। उसके बाद नहाई, ठाकुर जी को स्नान कराया, आरती करी। उसके बाद बृहस्पति के दिन मैं मंदिर जाती हूँ, मैं मंदिर गई। ये हमारा बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर मैंने केले के पेड़ को जल दिया, दिया जलाया, आशीर्वाद लिया। ये शंकर पार्वती जी का मंदिर है, जहाँ पर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। गायत्री माँ का मंदिर है, ये रात को मैंने लगाई थी मेहंदी। उसके बाद मैंने बड़मावस की तैयारी शुरू की, खाना बनाया। खाने में खीर, रायता, हलवा, पूरी, सब्जी, कद्दू बनाया, जिसमें खरबूजा भी पूजा जाता है और जोड़ा पूजा जाता है। इसमें वड़ के वृक्ष की टहनी को हम घड़े में रखकर पूजा करते हैं। बहुत सी जगह वृक्ष की पूजा की जाती है, परिक्रमा ली जाती है, हमारे यहाँ इस तरह पूजा की जाती है। उसके बाद मैं ये बायना देने के लिए अपने जेठ जी के यहाँ गई। ये हमारे जेठ जी का घर है, यहाँ पर मैंने जेठ जेठानी जी को बायना दिया। जेठ जी थे नहीं, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मेरी जेठानी ने अपने देवर को, यानी मेरे हस्बैंड को, बायना दिया, जो कि बहुत खुश थे, उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया।